अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्ले ग्रुप फ्रॉम लाइट स्कूल। आज हम आपको प्ले ग्रुप के टास्क के बारे में बता रहे हैं। ये अप्रैल का टास्क आपको दिया गया है। फर्स्ट पे है कि स्टूडेंट विल प्रैक्टिस स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड कर्विंग लाइंस। स्टूडेंट विल प्रैक्टिस ऑन दीज लाइंस ऑन डॉट जो आपको दिए जाएंगे टास्क में। आगे हैं स्टूडेंट विल कलर द गिवन पिक्चर। जो उसमें पिक्चर्स होंगी वो भी आपने उसमें खूबसूरत से कलर्स करने हैं। रिकॉग्निशन ऑफ लेटर ए टू डी, ए से डी तक आपने सिर्फ रिकॉग्नाइज करवाना है बच्चों को कि ए और डी, ए से ए बी सी डी, इनकी आपने रिकॉग्निशन करवानी है। रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स की 1 to 5 तक, और रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स जो आपको दिए गए हैं ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। हरूफ तहजी की पहचान करवानी है, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, बे, ते। ताउज़ तस्मिया पहला कलमा याद करना है। ताउज़ होता है आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। फिर इस्लामियात के क्वेश्चन दिए गए हैं कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं, खालिक के क्या मायने हैं, खालिक के मायने हैं पैदा करने वाला, हमारा मज़हब क्या है, हमारा मज़हब इस्लाम है। ये आपने बच्चों को याद करवाने हैं 3 क्वेश्चन जो हैं इस्लामियात के। फिर आगे हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम है आपने उसको याद करवाना है। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। जी तो हमारा फर्स्ट पेज है ट्रेस द स्टैंडिंग लाइन एंड कलर द पिक्चर। ये जो आपने स्टैंडिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सब स्टैंडिंग लाइंस हैं। ये देखिए ये फ्लावर बना हुआ है, आपने फ्लावर में ऑरेंज कलर करना है और आपने यूं करके सीधी लाइन डालनी है, ठीक है। इसी तरह आप सब में ये स्टैंडिंग लाइंस डालेंगे क्योंकि इससे बच्चे की ग्रिप होती है, वो पेंसिल को अच्छी तरह पकड़ना जब सीख लेता है तो फिर हम आगे जाएंगे। तो ये जो कलर्स दिए गए हैं उनमें फ्लावर्स में बच्चों ने कलर करना है और स्टैंडिंग लाइन पे यूं करके सीधी सीधी लाइंस लगानी है, यूं करके जैसे ये पेंसिल बनाई हुई है यूं करके, यूं सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस, यहाँ पर सिर्फ खड़ी हुई लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं और बच्चे को आपने बताना है कि ऊपर से नीचे आना है। ये जितनी भी लाइंस हैं हमने ऊपर से नीचे आना है इन सब में, तो इनको स्टैंडिंग लाइंस कहा जाता है। तो इसमें बच्चों को आपने खूबसूरत से कलर भी करवाने हैं, फ्लावर्स में जो कलर आपको वीडियो में नज़र आने हैं वही कलर करवा दीजिएगा। जी हमारा नेक्स्ट पेज है ट्रेस द स्लांटिंग लाइंस एंड कलर द पिक्चर। इसमें स्लांटिंग लाइन दी गई, स्लांटिंग लाइन होती हैं यूँ तिरछी लाइन होती हैं, इनको स्लांटिंग लाइन बोला जाता है। जैसे बादल बने हुए हैं, क्लाउड्स बने हुए हैं, हमने आपको फिर लाइंस नीचे दी हुई हैं, तो ये स्लांटिंग लाइंस हमने यूँ करके आपने बच्चे को ट्रेस करवानी है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने बैलून्स बना दिए हैं, बैलून में आपने जो कलर दिए गए हैं आपने वो कलर करवाने हैं। फिर काइट में ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, बैलून में ऑरेंज, येलो और साथ स्लांटिंग लाइन बच्चे को ट्रेस करवानी है यूँ करके। ये भी ऊपर से तिरछी आती है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह बच्चा बहुत जल्दी वर्ड बनाना सीख लेता है क्योंकि हमारे जो वर्ड होते हैं स्लांटिंग इन्हीं कर्विंग लाइंस की वजह से बनाए जाते हैं, फिर बच्चा जल्दी आसानी से सीख जाता है। तो आपने इनमें कलर्स भी करवाने हैं और इनको ये लाइंस पे ट्रेस भी करवाना है। नेक्स्ट है ट्रेस द वेवी लाइंस। अब ये सब आपको वेवी लाइंस दी गई हैं, यूँ फिच बना दी गई है, उसके पीछे उसकी वेवी लाइंस बना दी गई हैं, तो बच्चे ने यूँ वेव्स के ऊपर ट्रेस करना है। जब बच्चा ये करना सीख जाता है तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्ड बनाना आ जाता है। अब ये कलर्स जो भी दिए गए हैं फिश में बच्चे ने कलर करने हैं, बर्ड्स में करने हैं और इनको कर्विंग लाइंस को फिर यूँ करना है। अब नेक्स्ट पेज है ट्रेस द स्लीपिंग लाइंस एंड कलर द पिक्चर। ये स्लीपिंग लाइंस दी गई हैं, इनको हमने यहाँ से यूँ ट्रेस करना है, फिर हमने यहाँ से हनी बी को उसके हाइव के पास लेकर जाना है और जो कलर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप बच्चे को उसी तरह के कलर इसमें करवा सकते हैं। और जैसे ये लेडर्स बनाई गई हैं इनमें स्लीपिंग लाइंस को आपने यूँ ट्रेस करवाना है बच्चे को। अब जैसे यहाँ पर ट्री बना दिया गया है तो ट्री में एप्पल रेड कलर के करेंगे बच्चे और ये कर्विंग लाइंस हमने
इनको यूं बच्चों को आपने रेज करवाना है। जैसे ये बर्ड बनाए हुए हैं, ये भी कर्विंग लाइन की तरह आ रहे हैं, तो आपने बच्चे को कहना है कि इन कर्विंग लाइन्स के ऊपर ट्रेस करें और ट्री में खूबसूरत सा कलर करवाएं बच्चों से। इस पिक्चर में हमने डिफरेंट कलर के ट्रेसिंग लाइंस दे दी हुई हैं, जिसमें कर्विंग भी आ रही है, स्लांटिंग भी आ रही है। तो बच्चा पहले लाइंस को ट्रेस करेगा, जो भी जैसे भी लाइंस दी गई हैं, इसमें कर्विंग भी दो तीन किस्म की लाइंस आ रही हैं, तो ये बच्चा ट्रेस करेगा और पिक्चर में खूबसूरत सा कलर करेगा। इस पेज पे हमने डिफरेंट किस्म की अब स्लांटिंग, स्लिपिंग, कर्विंग, हर किस्म की लाइंस हमने लगा दी गई हैं, और यहाँ पर बच्चा आप सारी लाइंस को ट्रेस करेगा। जैसे स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे आती है, स्लिपिंग लाइन साइड से होती है, सीधी जाती है, फिर स्लांटिंग लाइन आती है, फिर इसमें स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइंस दोनों आ गई हैं, ये कर्विंग लाइंस हैं। बच्चे को आप कलर से भी इसके ऊपर ट्रेस करवा सकते हैं, पेंसिल से भी करवा सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे ट्रेस द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स उसी तरह से दिए गए हैं कि स्टैंडिंग लाइन भी आ रही है, कर्विंग भी आ रही है, स्लिपिंग भी आ रही है, तो बच्चा इससे अब उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हमने ए लिखना है तो वो स्लांटिंग लाइन उसमें यूज़ होंगी। यूँ करके फिर बच्चे को आप ए ट्रेस करवाएंगे, फिर बी में स्टैंडिंग लाइन और कर्विंग लाइन यूज़ हो रही है इस तरह से, फिर सी में हमारा कर्विंग लाइन यूज़ हो रही है, और डी में भी हमारी स्टैंडिंग लाइन और कर्विंग लाइन यूज़ हो रही है। इस तरह से बच्चे को समझ आ जाएगी कि मैंने कब कर्व बनाना है, कब स्लांटिंग बनानी है, कब स्टैंडिंग बनानी है। यहाँ पर हमने बच्चों को शेप्स दे दी हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इसमें जो हमने डॉट्स लगाए हुए हैं, आपको जिस कलर का भी नज़र आ रहा है उसमें बच्चा कलर करेगा, और आपने इनको ट्रेस करवाना है, सर्कल को, स्क्वायर को, ट्रायंगल को, इस तरह से बच्चे को ट्रेस करवा के फिर इसमें कलर करवा दें।